हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 26 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है छत्तीसगढ़ के बारे में। न्यूज़ आई है कि छत्तीसगढ़ की जो पंचायत हैं या ग्राम पंचायत हैं, वहाँ पे डिसेबल्ड कोटा है या दिव्यांग पर्सन्स के लिए कोटा आरक्षित किया गया है। देखो, पहला ऐसा स्टेट बन गया है छत्तीस, जिसने दिव्यांग पर्सन्स के लिए पंचायतों में अपना एक कोटा है वो अलग से रिजर्व किया है। इवन एक पंचायत में नहीं, जितनी भी छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत हैं सभी में डिसेबल्ड पर्सन के लिए यानी कि दिव्यांग पर्सनों के लिए एक कोटा है, वो अलग से सीटें रिजर्व की जा रही हैं। कैबिनेट, छत्तीसगढ़ की जो कैबिनेट है उसने अभी इस एक्ट को लिए अप्रूवल भी दिया है। देखो, स्टेट पंचायती राज एक्ट 1993, आपको पता है कि 1993 में ही विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया वो स्टार्ट हुई थी, और आपको पता है पंचायती राज सिस्टम वहीं से शुरुआत है वो की गई थी। चलो, आप ये बताओ कि पंचायती राज सिस्टम भारत में स्टार्ट कब हुआ था? ये तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश टाइम से ही वैसे स्टार्ट हो चुका था, बट अब आपको बताना है कि उस टाइम पे गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन था जब हमारे देश में जो पंचायती राज सिस्टम है या फिर जो 3 स्टेज की सिस्टम था वो कहाँ से इम्प्लीमेंट है, कहाँ से ओरिजिन है वो हुआ है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या इसके प्रावधान है वो किए गए हैं। देखो, ये प्रावधान किया गया है कि हर हर एक ग्राम पंचायत, मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी एक ग्राम पंचायत, किसी भी ग्राम पंचायत को आप ले सकते हो, वहाँ पे जो डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए एक सीट है वो अलग से रिजर्व की जाएगी। या तो देखो, नॉर्मली जो डिसेबल पर्सन है वो इलेक्ट हो जाएंगे, अगर इन केस डिसेबल पर्सन इलेक्टेड नहीं हो पाते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पे उनको नॉमिनेट किया जाएगा, जैसे कि पंच की पोस्ट पे हो या इस तरीके से। यानी कि हर एक ग्राम पंचायत में एक डिसेबल पर्सन सदस्य है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। बाकी देखो, इसमें दिया गया है कि अगर इलेक्टोरल प्रोसीजर से नहीं इलेक्ट हो पाता है तो मेल या फीमेल किसी को भी एक को पंच के तौर पे वहाँ पे नॉमिनेट है वो किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मैंडेटरी प्रावधान है वो किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो, हम ये देखते हैं कि हमारे संविधान ने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से राइट दिए हैं डिसेबल्ड को लेकर। देखो, पहले तो आपको पता होगा आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे है या फिर नेशनल लॉ डे के तौर पे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को ही हमारा संविधान है वो बन के तैयार हो चुका था। इसके बाद में इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी को, पर 26 नवंबर को हमारा संविधान कंप्लीट हो चुका था, मतलब जो बनने की प्रक्रिया थी वो। तो इसीलिए 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे के तौर पर भी मनाया जाता है। तो ये एक फैक्ट ध्यान में रखना है। देखो, हमारा संविधान है वो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट है वो प्रोवाइड करवाता है। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 21 है वो ये कहते हैं कि भाई जो भी डिसेबल्ड या दिव्यांग पर्सन्स हैं उनको लेके आप, मतलब एक तरीके से उनको अलग नहीं रख सकते सोसाइटी से, ना ही उनके साथ आप भेदभाव कर सकते, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है वो अलाउ नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 15 का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि आप किसी भी पर्सन के साथ धर्म, जाति, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव है वो नहीं कर सकते हो। और आर्टिकल 15 का जो सेकंड लॉ है वो ये कह रहा है यहाँ पे कि आप कोई भी पर्सन है, चाहे डिसेबल्ड हो या फिर और भी तरह के पर्सन हो, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। किस बेसिस पे? कि भी आप इस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, आप इस जो होटल वगैरह यहाँ पे एंट्री आपकी अलाउ नहीं है, या फिर जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे आप नहीं जा सकते, इस बस में आप नहीं बैठ सकते, ये जो भी, और जैसे कि यहाँ पे घाट है, कोई नदी वगैरह है वहाँ पे आप नहा नहीं सकते, कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को मना कर दो, ऐसी चीज़ हमारे संविधान में मतलब वैध है वो नहीं की गई है, मतलब इसको इनवैलिड माना गया है। तो ये आप देखो ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल राइट है वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। इसी के साथ आर्टिकल 17 ये कहता है, मतलब कि आर्टिकल 17 ये कह रहा है कि भाई संविधान में जो भी डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके साथ आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, मतलब छुआछूत वगैरह जैसी जो भेदभाव है उन कृतियों को आप अप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको सजा का है वो प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। अब देखो, राइट टू लाइफ में सब कुछ आ जाता है कि लाइफ विद लिबर्टी एंड गारंटी। लाइफ है वो आदमी अपनी डिग्निटी के साथ जिएगा, अपनी इज्जत या सोवरेनिटी के साथ जिए, ऐसा नहीं है कि आप उसे परेशान करो, डिसेबल्ड है तो आप उसका मजाक उड़ाओ, वो सारी चीज़ें बैन है वो की गई हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में, ETF। क्या है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? देखो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ना वो एक तरीके के म्यूचुअल फंड ही होते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? जैसे मान लो कि 10 आदमी हैं, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, एक ये मान लो कि टोकरी, इसमें पैसे डाल दिए, ये 10 आदमियों ने थोड़े थोड़े पैसे अपनी तरफ से मिलाए और काफ़ी, ये मान लो कि लगभग इन्होंने 1000 रुपये इकट्ठे कर लिए। अब ये 1000 रुपये वो क्या करेंगे?
कोई भी शेयर मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे जहां से इनको अच्छा खासा रिटर्न मिले, फिर उस पैसे का जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। मतलब म्यूचुअली लोगों ने एक जगह इन्वेस्ट किया है और उससे जितना ही प्रॉफिट है वो आपस में डिवाइड है वो कर लिया। ये होता है म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। देखो जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ना, ये भी सेम म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं, बट कुछ थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है वो होता है। पहली बात तो ये कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ना, ये रजिस्टर्ड होते हैं किसके साथ? सेबी के साथ। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज में या सेबी के साथ रजिस्टर होना मैंडेटरी है, जबकि म्यूचुअल फंड का कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि भाई वो उसके साथ रजिस्टर्ड वगैरह। इसी के साथ बात यह है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ना, इसका पैसा जहां पे जिस जिस कंपनी के शेयर होल्डर हैं वहीं पे इन्वेस्ट किया जाएगा। देखो म्यूचुअल फंड में क्या था कि सब लोगों ने, जैसे कि 10 लोग थे, इन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा है वो इस फंड में डाला, फिर इस फंड को जहाँ ही नहीं लगा कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा वहाँ उन्हें इन्वेस्ट कर दिया। बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ऐसा नहीं होता है, इसमें पहले ही फिक्स हो जाता है कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। मतलब बाद में नहीं कर सकते आप, जैसे कि पहले ही यहाँ पे फिक्स हो गया कि भाई इन्हें जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना है इस सेक्टर में या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो उसी कंपनी में उतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि म्यूचुअल फंड में तो क्या होता है, जब पैसा इकट्ठा हो जाता है, सारा फंड में पैसा आ जाता है, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो वहाँ इन्वेस्ट किया जाए। बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ऐसा नहीं होता है, इसमें पहले से क्लियरिटी है वो रहती है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ना, इनको आप पूरे दिन में कितनी बार सेल मतलब बेच सकते हो, खरीद सकते हो आपस में, मतलब सारे दिन इसकी ट्रेडिंग है वो हो सकती है, जो भी आपका बिजनेस टाइम होता है, मार्केट टाइम। बट जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में ये डिफरेंस होता है कि म्यूचुअल फंड है जब दिन का जो मार्केट टाइम होता है ना, जैसे कि मान लो कि सुबह 10 से 4 का मार्केट टाइम है, तो 10 से 4 के बीच में आप म्यूचुअल फंड को नहीं बेच सकते। आपको अगर बेचना है तो 4 बजे के बाद बेचना होगा या फिर सुबह 10 बजे से पहले। मतलब जो मार्केट टाइम्स होता है इसके टाइम, इस पीरियड में म्यूचुअल फंड को सेल या खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, जबकि जो हमारी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं इनको खरीदा या बेचा जा सकता है कितनी भी बार। तो ये इनमें ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। और एक छोटा सा फैक्ट ये भी है कि म्यूचुअल फंड है उनका एक दिन में एक ही बार ट्रेड हो सकता है, मतलब आप उनको या तो एक दिन में बेच सकते हो या एक दिन में खरीद सकते हो, सिर्फ एक ही साइड का ट्रेड अलाउ होता है। जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है, दिन में आपकी मर्जी, आप 100 बार बेचो 100 बार खरीदो, कोई इसमें लिमिट है वो नहीं होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ना, इनमें सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसके साथ ही एक डिफरेंस ये होता है कि देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप बाद में डिसाइड करते हो कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो थोड़ी अस्थिरता हो जाती है कि भाई हो सकता है कि कोई पर्सन नहीं चाहे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना वहाँ पे, फिर भी वो पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पहले से क्लियरिटी होती है, क्यों? क्योंकि ये सेबी के साथ रजिस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ पहले से मेंशन है कि भाई इस कंपनी के स्टॉक में इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि जो इन्वेस्टर है उसके लिए थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रह जाती है कि हाँ भाई ये पैसा इस कंपनी में जाएगा, मतलब अपने को ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा नहीं रहेगा, सेफ्टी है नहीं है, तो इसमें रिस्क है वो कम होता है। तो ऐसे ही यूपीएससी के बारे में कुछ फैक्ट वगैरह कई बार पूछ लेती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडिया का जो पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इसके बारे में काफ़ी बार न्यूज़ है वो आती रहती है। देखो एक चीज़ जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आ जाए ना, तो जो पहले जिस रिवर का नाम है ना उसका सरप्लस पानी सेकेंड वाले रिवर में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, केन बेतवा, यानी कि केन रिवर का सरप्लस पानी बेतवा रिवर में ट्रांसफर है वो किया जाएगा। जैसे ये मान लो कि हो जाए गंगा यमुना रिवर इंटरलिंकिंग, मतलब गंगा का सरप्लस पानी यमुना में ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक तो ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, कौन से स्टेट को इससे बेनिफिट है वो होने वाला है। तो देखो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले एरिया में बेनिफिट होगा। ये आपको इधर वाला जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का है, ये इधर है वो थोड़ा है मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है वो आ जाता है। ये यहाँ पे केन रिवर है आपको दिख रही है, ये यहाँ पे है बेतवा रिवर। तो केन रिवर का सरप्लस पानी है वो इधर से जाके कैनाल के थ्रू इधर ट्रांसफर है वो किया जाएगा। ये जो रीजन है ये है बुंदेलखंड का रीजन, और ये यहाँ पे जो एरिया है वो आता है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि काफ़ी सेंसिटिव एरिया आ जाता है। तो कई बार तो प्रोटेस्ट इसी को लेकर चल जाता है कि भाई जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उससे केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट जा रहा है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। बट अहम फायदा क्या होगा, अगर केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा बुंदेलखंड को, क्योंकि बुंदेलखंड के रीजन में पानी की भारी कमी रहती है, तो इस वाले एरिया में पानी की समस्या है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा उचित। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। कहाँ कहाँ पे, क्योंकि बुंदेलखंड से मैंने आपको बताया कि सूखा प्रधान एरिया है,
तो इस वाले एरिया में सिंचाई के लिए लोगों को पीने का पानी है वो सारा पानी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है गोल्डन राइस के बारे में। देखो गोल्डन राइस है, नॉर्मल राइस से कुछ कलर से डिफरेंस है वो होते हैं। गोल्डन राइस पहली बात क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स हैं, मतलब इनको लेबोरेटरी में तैयार है वो किया गया है जीन्स को छेड़छाड़ करके। ऐसा क्यों किया गया है और क्यों इनकी ज़्यादा डिमांड है वो अभी की जा रही है। देखो एक WHO की एक रिपोर्ट आई थी अभी, WHO की रिपोर्ट में ये सामने आया कि जो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं इनके अंदर मेजल्स की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, मेजल्स जो बीमारी है इसकी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय। इसी के साथ जो इम्यून सिस्टम है बच्चों का वो भी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। तो WHO इस दिशा में लगातार प्रयासरत है और जो मेजल्स है और जो विटामिन ए की कमी है बच्चों में इसको दूर करने के लिए गोल्डन राइस है इनको तैयार किया गया है। मतलब नॉर्मली तो राइस में क्या होता है विटामिन ए नहीं पाया जाता है, बट क्या किया जा रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड करके या बायोफोर्टिफाइड प्रोसीजर के थ्रू जो नॉर्मल राइस होते हैं इनके जीन में थोड़ी चेंजेस करके इनमें विटामिन ए है वो डाला जाएगा, ताकि बच्चों को जो अगर ये मतलब राइस खाएं कंजम्पशन का यूज़ करें तो उनको जो बीमारियां हो रही हैं उनको रोका जा सके। बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसीजर क्या होती है, देखो बायोफोर्टिफिकेशन में ये होता है कि जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं ना उनको ऐड कर दिया जाता है उसमें, ताकि जो डिमांड है उसको मैनेज किया जा सके। गोल्डन राइस है जैसा मैंने आपको बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें बीटा कैरोटीन है वो इंस्टॉल किया जाता है। देखो बीटा कैरोटीन क्या होता है, जब भी इंसान इसको अपनी बॉडी में इंटेक करता है या इंसान खाने के द्वारा अंदर लेता है पेट में, तो फिर बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट है वो हो जाता है, और विटामिन ए है वो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें हेल्प और सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाता है। तो यह ध्यान रखना कि बीटा कैरोटीन है वो क्या होता है, राइस के अंदर पुट किया जाता है और फिर जो राइस है वो अगर हम कंज्यूम करते हैं तो बीटा कैरोटीन क्या करता है विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, और कब होता है जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म यानी कि जो पाचन क्रिया चलती है उस दौरान विटामिन ए बनता है, और विटामिन ए की कमी से काफ़ी सारी बीमारियों में हमें मुक्ति है वो मिलती है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि राइस है वो विश्व में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड कौन सा होता है, मतलब कि खाने योग्य जो कि खाद्य सामग्री एक तरीके से जो ज़्यादा से खाया जाता है वो है सबसे ज़्यादा राइस। तो इसी को लेके ये प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है, तो अभी अलग अलग कंट्री जिसकी डिमांड है वो कर रही है। तो ध्यान रखना गोल्डन राइस क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फोर्टिफाइड क्रॉप है जिसको डेवलप क्यों किया गया है, विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए, ताकि जो गरीब कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे विटामिन ए की वजह से काफ़ी गंभीर बीमारियां होती हैं बच्चों में उनको काउंटर करने के लिए इसका यूज है वो किया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है सुमात्रा राइनो के बारे में। देखो सुमात्रा राइनो है वो अभी मलेशिया से एक्सटेंड या खत्म है, लुप्त है वो हो चुका है, उसी को लेकर न्यूज यहाँ पे आई है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पूरे वर्ल्ड से लुप्त नहीं हुआ अभी तक, केवल मलेशिया से ये जो सुमात्रन राइनो है ना ये खत्म हो चुके हैं कम्प्लीटली। वहाँ पे जो लास्ट था उसका नाम था ईमान, तो वो अभी खत्म है वो हो चुका है, काफ़ी टाइम से कैंसर से पीड़ित था। अभी अगर हम बात करें तो सुमात्रा जो राइनो है वो वर्ल्ड में लगभग 80 के आसपास की संख्या में बचे हुए हैं, कुछ इस जगह का देखने को यह दिखता है। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, देखो मेनली जो अभी बचे हैं सुमात्रा राइनोज वो बचे हैं इंडोनेशिया वाले रीजन में, कुछ थोड़े बहुत हैं वो देखने को मिले तो सुमात्रा आइलैंड के आसपास भी हैं, इंडोनेशिया के जो और बोर्नियो वाले आइलैंड है वहाँ पे भी कुछ गिने चुने ये पाए जाते हैं। सुमात्रा जो राइनो है वो और जो राइनो या जो गेंडे की और जो स्पीसीज होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, इसके साथ ही जावान राइनो, तो इन अलग अलग प्रजाति में सबसे छोटे हैं ये होते हैं, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पाए जाते थे 19th सेंचुरी में। कहाँ पे, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसी में आपको पता है राइनोज पाए जाते हैं, तो वहाँ पे सुमात्रा राइनोज भी पाए जाते हैं। तो अभी ये मलेशिया से कम्प्लीटली लुप्त हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं वो इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड में पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है दमन एंड दीव के बारे में। देखो न्यूज ये आई है कि गवर्नमेंट है वो अभी ये प्लान कर रही है कि दमन एंड दीव यूटी और इसी के साथ जो दादर एंड नगर हवेली यूटी है ना इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, मतलब कि दो केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात है वो की जा रही है। अभी हमारे देश में टोटल 9 केंद्र शासित या 9 यूटीज हैं, तो अभी अगर इन दोनों को मर्जर कर दिया जाएगा तो 8 यूटीज हैं वो रह जाएंगी। तो एक बार हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं। देखो ये है मैप और यहाँ पे तो है, ये है आपको पता है गुजरात, और ये जो है यहाँ पे तो है दीव, ये है यहाँ पे दमन, और दमन के जस्ट नीचे थोड़ा साउथ में जाएंगे तो आता है दादर नगर हवेली।
है कहाँ पे ये? ये मेनली गुजरात के कोस्ट पे ही है, तो ये ध्यान रखना, इनकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर हम बात करें तो पौंडीचेरी की लोकेशन यहाँ पे है, अंडमान निकोबार की लोकेशन यहाँ पे है, और ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे लद्दाख है ही, इसी के साथ यहाँ पे चंडीगढ़ है, यहाँ पे दिल्ली है। तो इस तरीके से आप यूटीज को एक एक करके कवर है वो कर सकते हो। यहाँ पे लक्षद्वीप आई जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम फोकस करेंगे दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली के बारे में। ध्यान रखना दमन एंड दीव है वो दोनों काफ़ी अलग हैं। आप यहाँ देखोगे ढंग से तो देखो दीव तो है यहाँ पे और दमन है यहाँ पे, इनके बीच में आती है ये खंबात की खाड़ी, तो दोनों खंबात की खाड़ी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। लगभग ऐसा का शायद 800 किलोमीटर के आसपास दोनों के बीच में डिस्टेंस है दमन एंड दीव के बीच में। और फिर जो यहाँ पे दमन है इसके जस्ट पास में ही है दादर नगर हवेली। तो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब हम चलते हैं आगे डिस्कशन की तरफ। देखो अभी गवर्नमेंट है वो विंटर सेशन में बिल लाने की बात है वो कर रही है, ताकि दोनों यूटीज को मर्जर किया जा सके। ऐसा क्यों? ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो कि काफ़ी कार्यों के लिए डुप्लीकेशन की प्रोसीजर होती है उसको रोका जा सके। क्यों? क्योंकि देखो दीव की जैसे लोकेशन यहाँ पे है, तो दमन यहाँ पे है और दादर नगर हवेली यहाँ पे है, तो मतलब दमन और दादर नगर हवेली तो काफ़ी नज़दीक है जबकि दीव काफ़ी अलग है। तो कई बार क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कार्य में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो अभी ये सोचा जा रहा है कि भाई छोटी छोटी तो हैं तो इन तीनों को एक ही जगह मर्ज कर दें, ताकि इनको आराम से एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कंट्रोल है वो किया जा सके। तो ये कुछ फैक्ट है जिन्हें कवर कर लिया है। अब आज एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको स्टेट के बारे में बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है। जैसे आपको 3 हिंट्स यहाँ पे दिया गया है कि एक तो वो सेम लेटिट्यूड पे लोकेटेड है जहाँ पे नॉर्थन राजस्थान है, मतलब नॉर्थन राजस्थान जिस लेटिट्यूड में है उसी लेटिट्यूड में एक स्टेट है, और उस स्टेट में लगभग 80% है वो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। इसी के साथ ही अगर और फैक्ट भी दिया गया है कि जो 12% है उस एरिया का फॉरेस्ट कवरेज वो प्रोटेक्शन एरिया नेटवर्क में आता है उस स्टेट का, तो आपको उस स्टेट का नाम बताना है कि भाई ऐसा स्टेट कौन सा है। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था आई थिंक 2014 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने छत्तीसगढ़ी पंचायत के बारे में डिस्कस किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत में डिसेबल्ड पर्सन के लिए एक सीट है वो रिजर्व की जा रही है। इसी के साथ हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेबल पर्सन को कौन कौन से राइट हैं वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। फिर हमने एक्सचेंज ट्रेडेंट फंड के बारे में जाना कि म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेंट फंड में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ हमने केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया। बाद में हमने जो गोल्डन राइस है इसकी प्रजाति या गोल्डन राइस क्या है, क्या इसके बेनिफिट है, उसे कवर किया। इसी के साथ हमने सुमात्रन डायनोज को कवर किया कि जो कि मलेशिया से लुप्त हो चुके हैं और बहुत ही कम संख्या में अभी बचे हैं। लास्ट में हमने दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली यूटीज को मर्जर करने को लेकर बिल के बारे में डिस्कस किया। ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।